जय हिंद दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे पास है हमारे सारे स्टूडेंट। पीसीबी की रिपेयर करने की बारी थी सलमान की, लेकिन कोई पीसीबी था नहीं, रिपेयर करने के लिए आया नहीं था। लकीली आज सुबह ही एक पीसीबी हमारे पास आ गया जनरल का, तो ये रुक भी गया यहाँ पर कुछ। आज दिन में ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, शाम हो रही है, शाम को वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास डिले भी हो गया, तो उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तो इसलिए आज इसको सलमान रिपेयर करेंगे, देखते हैं वो इसको कैसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं रिपेयर, क्या करते हैं। तो सलमान कैसा लग रहा है? जी, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा सर, बहुत अच्छे से। अच्छे से? जी अच्छा ठीक है। और हमें रुको निकालता हूँ। तो साथियों ये आप देख सकते हैं क्या चीज़ है ये? हाँ फ्लावर पॉट है ये। और जिनका ये बोर्ड है वो आए थे राजस्थान मकराना से, पहले से भी किसी ने ट्राई कर रखा था इसको रिपेयर करने का, और उन्होंने बताया था कि इसका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। और ये जो फ्लावर पॉट है वो हमारे लिए गिफ्ट लाए थे, और अब कितने के भी हो लेकिन ये तो गिफ्ट जो होता है वो कॉस्टलेस होता है, तो ये हमें काफ़ी पसंद आए। और संगमरमर के बने हुए हैं ये, ऐसे हैं देखो। तो साथियों बिना देर करे शुरू हो जाते हैं। सलमान आगे आ जाओ, पीसीबी को रिपेयर करना शुरू करो। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास पीसीबी आई है वो जनरल की, तो इसमें जो सर स्विचिंग आईसी होती है टॉप 243 पीएन, ये ख़राब थी, तो सर इसे हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम दूसरी लगाएंगे, फिर हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। वो पहले हम इसके पिन सही देख लेंगे, टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, और इसे हम साफ़ कर लेंगे तरीके से। दोस्तों हम इसे साफ़ कर रहे हैं, अब ये देखो, अब हम सही वाली लगाएंगे। अब दोस्तों ये वाली ऐसी लगाएंगे जो हमारे पास सही है, सेम नंबर है हमारे पास टॉप 243 पीएन, अभी हम लगाते हैं सर। ये देख लीजिए सर, ये देखो आईसी इधर लगाने की जगह है, अब हम इसी में हम लगाने जा रहे हैं। चिमटी से हम इसे सीधी करेंगे, ये देखो लग गई है। सोल्डिंग करेंगे आयरन से, ये कहाँ से नीचे पकड़ लेंगे ताकि आईसी ना निकले नीचे। पहले हम आमने सामने सोल्डिंग कर लेंगे ताकि रुक जाए आईसी, फिर बाकियों में करेंगे हम। ये कहाँ से हम नीचे उंगली से पकड़ रखा है, और इसमें अब हम दोनों हाथों से सोल्डिंग करेंगे। और सोल्डिंग में थोड़ा सफाई करनी चाहिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों हम सोल्डिंग कर रहे हैं इसमें। अब इसे सोल्डिंग करने के बाद इसे हम साफ करेंगे दोस्तों ब्रश से, फिर उसके बाद कपड़े से सुखा लेंगे क्योंकि हमारा ब्रश थोड़ा गीला सा थिनर से। और इसे हम चिमटी से देख लें कोई हमारी पिन शॉर्ट तो ना हुई है आपस में, अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर आईसी उड़ जाएगी हमारी, जो हमारी स्विचिंग आईसी है फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसे हमने साफ़ कर लिया दोस्तों, अब देख लिया हमने कहीं पर भी ये पिन शॉर्ट नहीं है आपस में, तो अब इसे हम चला के देखते हैं इसमें क्या सप्लाई बना रही नहीं बना रही है। पहले नीचे हम साफ़ कर लेंगे, कुछ पिन वगैरह तो नहीं रहेगा, अगर रह जाएगा तो पीस भी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंडक्टर लगाएंगे। और इसमें अब हम सप्लाई देंगे, ये देखो हमारी लीड है, मेन लीड। इसमें क्या है, ब्लैक वाली हमारी फेस है, जो ब्लैक वाला तार है यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ के बजाय यहाँ लगा दिया है। और इसमें देखो वाइट वाला न्यूट्रल है, तो हम इसमें वाइट वाले न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे हम। अब देखो हमने इसमें सप्लाई लगा दी है, अब इसमें हम मीटर से चेक करेंगे। ये हमने ग्राउंड पे प्रोब पे हमने काली प्रोब लगा दी है, जो आईपीएम वाली जो ग्राउंड है सेंट के साथ में। तो अब हम ये जो रेड वाली प्रोब है हम इसमें यहाँ चेक करेंगे जहाँ 15 वोल्ट आते हैं। देखो इधर क्या हो रहा, ये फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी वोल्टेज बनने डाउन हो रहे, वोल्टेज बनने डाउन है, फिर इसके बाद डायरेक्ट जो हमारा आउटपुट था उसमें यहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो रहा, वोल्टेज बनने फ्लक्चुएशन हो रही है, और उसके बाद आगे हम देखेंगे
और ये हम जो चेक करें देखो वो फ्लक्चुएशन हो रही है, वोल्टेज बनने जीरो हो रहे, वोल्टेज बनने फिर जीरो हो रही, स्टेबल नहीं हो पा रही है। फिर हम इसके जो जिनर डायोड लगा हुआ है इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है जी। अब हमने यहाँ इधर लगाया जी, ये देखो इधर मतलब वोल्टेज कुछ बन रहे हैं बट ये है कि वोल्टेज पूरे नहीं बन पा रहे हैं। ये देखो 21.6 इधर इधर फ्लक्चुएशन हो रही है और इधर वोल्टेज जो है बन रहे हैं कम बन रहे हैं 1.686। तो हम ये क्या है जिनर डायोड ख़राब है, या 8 वोल्ट का हमारा जिनर डायोड है तो इधर 7 वोल्ट के आसपास आउट करना चाहिए फीडबैक के लिए, तो ये आउट नहीं कर पा रहा, तो हम इसे जिनर डायोड को बदलेंगे फिर हम चेक करके बताएंगे आपको। उससे पहले हम डिस्चार्ज करेंगे दोस्तों, नहीं तो कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो अगर ऐसे निकालेंगे तो हमें करंट भी लग सकता है। तो ये देखो हमने ये 100 वाट का बल्ब है, अरे तो ये देखो दोस्तों ये 100 वाट का बल्ब है, हम इससे दोनों जो हमारे कैपेसिटर हैं फुल वाइट इस पर हम क्या करेंगे इन दोनों पर लगाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी ये देखो जी डिस्चार्ज हो गया, ये खास कर ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो ऐसा आपको करंट भी लग सकता है। देखो दोस्तों अब हम इसमें क्या है जिनर डायोड निकालेंगे और इसको थोड़ा खास कर ध्यान रखना है ताकि प्रिंट हमारे गले ना और ये जिनर डायोड प्यास निकल जाए। देखो निकल गया दोस्तों, ये देखो जिनर डायोड लगा हुआ जी दोस्तों। अब इसे हम बदलेंगे, दूसरी पीस में निकाल लगाएंगे इसमें हम। देखो दोस्तों ये पुराने वाली पीसी मेरे पर रखी है तो हम इसका ये वाला निकाल के लगाएंगे, ये देख रहे हो दोस्तों ये वाला सेम हम निकालेंगे। इसमें हम थोड़ा पीस भी हटाएंगे इसको निकालने के लिए, तो निकल गया जी ये देखो। देखो दोस्तों अब हम चिमटे से लगा रहे हैं इसे और ये रिवर्स बाय लगाना तो सर हमने पहले से और इसको सही से लगाना है। देखो दोस्तों असेंबली से मशीन से हम इसे लगा देंगे, हम हमारा जिनर डायोड लग गया है। अब देखा दोस्तों ये हमने जिनर डायोड लगा दिया है, अब हम इसमें सप्लाई देके चलाते हैं, फिर सप्लाई देके देखो दोस्तों सप्लाई हमने दे दी है, अब हम चेक कराते हैं आपको वोल्टेज। देखो देखो दोस्तों 15.38 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 15 वोल्ट अब हमारे हो गए सही। देखो दोस्तों अब हम असेंबली में जो प्राइमरी सेकेंडरी साइड में अब हम चेक करेंगे 5 वोल्ट। देखो दोस्तों हमारे 5 वोल्ट बन गए हैं, अब यानी हमारा असेंबली सही हो गया है। देखो दोस्तों हमने सब कुछ इसमें इंडोर के पीछे और आउटडोर के पीछे कनेक्ट कर लिया है, और देखो ये हमारी आउटडोर मोटर है और ये हमारी इंडोर की मोटर है और हमने इसे कनेक्ट कर लिया। अब हम इसे चलाएंगे, देखते हैं फिर क्या परफॉर्मेंस आती है आउटडोर के लिए। ये देखो दोस्तों अब हमने लाइट दे दिया पावर, इंडिकेटर जल गया इंडिकेटर। अब थोड़ी बहुत देर बाद देखना ये इंडोर चलेगा, देखो UVW है और ये हमारा आउटडोर मोटर है जी चालू है। देखो दोस्तों मेरी मोटर हमारी मोटर चल रही है इंडोर की, देख लो टाइम दे रहा है तेज हो जाएगा अपने आप। देखो दोस्तों हमारे पहले आउटडोर मोटर चल गई है, देखो दोस्तों हमारी इंडोर की मोटर तेज़ हो गई है और देखो हमारा आउटडोर का उससे लिए सप्लाई आ गई UVW टेस्टर में। दिख रहा दोस्तों हमारा जो है ना इंडोर और आउटडोर के पीछे भी कंप्लीट हो गई है सर सर्किट।
बोलना क्या है? जो मैं पूछूंगा, जैसी कंडीशन होगी वैसा बोलना है, जो ठीक लगे। चालू है, सब चालू है वैसे तो। सब आ गया था। घड़ी आ रही है क्या उसमें? नहीं, नहीं आ रही। तो साथियों, आपने देखा कितनी आसानी से यह बोर्ड ठीक हो गया। और आज है 30 तारीख, कौन सा महीना है? नवंबर। 30 तारीख, टाइम कितना हो रहा? तो आज साथियों 30 तारीख है और 11:15 हो रहे हैं रात के, दिन के नहीं है, रात के 11:15 हो रहे हैं। और ये हमारे पास इनका लास्ट दिन था, तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ये कैसा रहा। और प्लस लास्ट दिन है, इसके बाद तो हम इन्हें कुछ बताने भी नहीं वाले हैं, जो उसकी लालच में आकर हमारे कहने से कुछ बोलें। तो बोलने के लिए कुछ आज़ाद हो तुम, तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन है कि लोग सोचते हैं कि सारे के सारे, मतलब कि सब के सब कैसे सीख जाते हैं, फेलियर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि डाउट होता है, हो सकता है यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि बता बता कर बनवा दी जाए, फोर्सफुली डरा कर बनवा दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो बताओ। तुम बोलो, उसके बाद हम बोलेंगे। बताओ कि जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट होगा तो पहले श्री से पूछते हैं। श्री तुम बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सारे के सारे कैसे सीख जाते हैं, फेलियर क्यों नहीं होते? मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं पहले फील्ड में काम करता था, फ्रिज का, डिफ्यूज़र, एसी का काम करता था। मैं पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए इधर आया। बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, आसानी से सीख नहीं पाता। लेकिन बताने का तरीका सर का बराबर ये अच्छा है, मेहनत उसका साथ मेहनत भी करना पड़ेगी। अभी मेरे को आज का बराबर 60 दिन हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंट आया कि मैं खुद पीसीबी इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर, फ्रिज का भी है, एसी का भी रिपेयर कर सकता हूँ। चेकिंग करके अपने आप को रिपेयर भी कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट मेरा आया। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि आज के बाद हम तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं देने वाले। सपोर्ट नहीं चाहिए सर, मैं खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। मैं अभी जो आपका तरीका, जो इसका फंक्शन कैसा चलती है, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, पीसीबी के बारे में आपने बताया था बहुत अच्छा से। कोई भी बोर्ड एक ही तरह होता है, सिर्फ चेकिंग चेक करने का तरीका, कोई बोर्ड का मॉडिफिकेशन अलग होता है, लेकिन फंक्शन तो सेम ही रहता है। हम लोग चेक करने का तरीका से चेक करेगा तो काम ठीक हो जाएगा, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा इस हिसाब से। हाँ, तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी सर, बिल्कुल कहना है कि आप पीसीबी रिपेयर करने में हमें पहले कभी दिक्कत होती थी, लेकिन जो अब जिस हिसाब से सर ने हमें सिखाया है और जो हमें ट्यूशन दी है सर ने, उसके बाद हमें नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बिल्कुल गलत है कि क्या बोलते हैं, पीसीबी ऐसे मतलब लोग सोचते हैं, ऐसा मुझे लगा कि सारे के सारे कैसे पास? नहीं सर, सारे के सारे क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता सर। जो हमारा सीखने का, आपके सिखाने का तरीका है और हम जो सीख रहे हैं, इसमें हम पांचों के पांचों बराबर हैं सर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई सर कम नहीं है। मोस्टली है कि आराम से हम सब कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल सोचना गलत है उसका, कि हम पांचों के पांचों में कोई फेलियर क्यों नहीं है। तो फेलियर नहीं हो सकता सर कोई भी, मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं, आज तो तुम्हारा लास्ट दिन है, आज के बाद और अभी के बाद मैं कुछ बताने भी नहीं वाला हूँ कि लालच में आके कुछ बोल रहे हो। नहीं सर, मेरी तरफ से जरूरत ही नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं। जो आपने बता रखा बहुत है सर, इतना ही। कोई किसी भी हमारे पास आने वाली ऐसी नहीं है, चाहे फ्रिज की हो, जरूरी नहीं है कि इन्वर्टर आए या वॉशिंग मशीन आए, किसी भी तरह की कोई पीसीबी आ जाए, हम उसे इजीली स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट तुम बताओ। सलमान, तुमने तो आज वीडियो बनाई है। जी, तो वीडियो का तो ऐसा पॉसिबल है कि हम बता बता कर बनवा दे कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ये तो पॉसिबल है, कोई भी सोच सकता है इस चीज को। जी सर, लेकिन वहां जाकर जब तुम काम करोगे तब हम नहीं होंगे बताने के लिए, ना तुम्हारे ग्रुप के बंदे होंगे, तब क्या होगा?
देखा कि साथियों कि जो हमारे सर ने जो बताया है, जो हम पहले रिपे करते थे वो क्या था, हम जो चीज़ फटी चीज़ होती थी उसे हम बदल देते थे, और यहाँ आने के बाद जो है हम कोई सी भी पीसीबी इन्वर्टर मॉडल की हुई या कोई सी भी पीसीबी हुई अब हम रिपेयर कर सकते हैं इजीली। यानी कि और सर मेरी मेहनत के साथ साथ सर का भी बहुत मेहनत है इसमें सर, या हमारे तो कमी सबसे ज़्यादा सर की मेहनत है जो हम लोगों ने सभी ने सीख लिया। अब ये वाला नेक्स्ट लो अनवर, तो अब अनवर बताएंगे। अनवर जैसे ये वाला बोर्ड हमारे पास आया मकराना से, तो जैसे ये तुम्हें पता ही है तुम्हारे सामने सुबह आया है, तुमसे भी पहले बोर्ड आ गया था लकीली, नहीं तो वीडियो नहीं बनती। अगर ये जो वीडियो सर भाई लोगों जो बनी है मेरी वीडियो, मेरा नसीब था नहीं, मेरी वीडियो बनने वाली नहीं थी क्योंकि कोई बोर्ड ही नहीं था अवेलेबल। हाँ वैसे हमारे पास बहुत सारे बोर्ड है लेकिन फिर फेक फॉल्ट बनाओ फेक कोई फायदा नहीं। तो ये एक्चुअली क्या, ये कस्टमर का बोर्ड आज ही आया था और कल से, यानी कि आज रात से हमारा महीना खत्म हो गया, 2 महीने कोर्स पूरे हो गए हैं, और हमारा नसीब था या फिर कुदरत देख लो कैसे क्या हुआ, बट हमारी वीडियो बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया तो बोर्ड लाने वाले का है ना, क्योंकि आज ही लेकर आए वो बोर्ड। और वैसे मुझे कल फोन आया था, लेकिन ऐसे कई बार लोग फोन कर देते हैं कन्फर्म नहीं आते, कुछ पता थोड़ी होता है, नहीं तो मैं फिर कैमरा लेकर आता ना साथ कि नहीं, अगर कन्फर्म पता होता तो। तो साथियों आप देख सकते हैं आपके सामने मिस्टर अनवर, ये बताएंगे इनके सामने ही लेकर आए थे सुबह, नहीं इनसे भी पहले लेकर आ गए थे सुबह। कहाँ से आए थे? मकराना से आए थे, राजस्थान से। और ये पीसीबी पहले चेक हो चुकी, अब कितनी जगह ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें इतना बड़ा कुछ फॉल्ट भी नहीं था। बाकी अनवर बताएंगे, वीडियो आपने देखी है वही फॉल्ट था, बाकी अनवर बताओ। इसमें सर चेक किया था, मैंने ही चेक किया था जब पीसीबी आई, तो इसमें बता रहे थे कि एमसीयू खराब है, शॉर्ट है, वो ऐसा बोल रहे थे भाई, तो वहाँ पर एमसीयू शॉर्ट नहीं था। मैंने चेक किया तो इसमें पावर सप्लाई में प्रॉब्लम थी, उस सेक्शन में प्रॉब्लम थी। और जैसा जैसा तुम उस बारे में क्या बोलना चाहोगे, जैसे अभी के बाद तो कुछ तुम्हें बताया नहीं जाने वाला एक्स वाई जेड कुछ भी, और आगे हमारे यहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं होती अच्छी तरह, पता है ना जी सर, बुकिंग के समय ही बता दिया होगा बाजी ने जी सर। तो अभी जैसे जो बोलना चाहते वो बोलो सर। आपने हमें बहुत कि जैसे लोग, मतलब जैसे वही क्वेश्चन है मेरा तो, कि जैसे लोग कहते हैं कि ऐसे रिजल्ट कैसे, सारे इक्वल कैसे, ऐसा कैसे? सर रिजल्ट में तो सर हमारी भी मेहनत है और हमसे ज्यादा सर आपकी मेहनत है, हमारे इस रिजल्ट के पीछे हमसे ज्यादा सर आपकी मेहनत है, सच बोल रहा हूँ सर, ये जो भी बोल रहा हूँ मैं। नहीं डर के बोल रहे हो जैसे सर, कुछ पालूंगा मैं। अरे ये कैमरा ही दूसरी तरफ है, अब तो कोई बात नहीं। जो सर बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं कि मतलब कि हमारा तो कम ही मेहनत है, सबसे ज्यादा मेहनत है सिखाने। नहीं फिर भी इस बारे में बताओ ना कि तुम ऐसा कैसे कि मतलब जीरो रिजल्ट नहीं या फेलियर रिजल्ट नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मतलब फेलियर रिजल्ट है? नहीं खुश होके जा रहे हैं, मतलब तुमसे भी पहले गए थे, हो सकता है हमने उन्हें डरा डरा के ऐसे बुलवा दिया हो। नवाज जैसे इमोशनल हो रहा था तो उसकी वीडियो को लोग सोच रहे हैं कि भाई जैसे डराया जा रहा है नवाज को, ऐसा नवाज से शुरुआत हुई है शायद, मुझे लगता है ऐसा। तो बाकी वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बातचीत होती है कभी-कभी। एक्चुअली में सर जो आप कभी-कभी हम लेट होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी नींद सी आ जाती है, तो इस करके लोगों को लगता है कि वो हमारी आंखें लाल हो रही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई डराया धमकाया जाता है और ना कोई प्रेशराइज है, बड़ा इजीली सीखते हैं, और इसमें मेहनत है सर। सीखने के लिए तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर दिया जाता है, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, शक्ति तो है जी। लेकिन तुमसे बुलवाने के लिए की बात कर रहे हैं कि रिजल्ट के आता जो सच है सर वही सच है, जो हम बोल रहे हैं वही सच है सर, उसमें कोई ये नहीं कहा फोर्स नहीं कर रहे हमसे कि फोर्स कर हमारे ये बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें लग रहा जो हमने सीखा था उसी बात पे हम बात कर रहे हैं। हाँ अब मनु को दो जी। मनु तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मैंने सुना ही होगा ना जी, कहीं ना कहीं से तो मैंने सुना होगा कि ये हो सकता है ना कि यहाँ पे बता के रिपेयर करवा दे, तो मैं कुछ आया ही ना हो, क्योंकि ये तो सबको बताएगी मुझे आती है रिपेयर करनी, मेरी वीडियो देख रहे हैं पहले से लोग, तो मैं बता के करवा सकता हूँ ना। बट ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, आप बता के रिपेयर करोगे सर उसमें हमारा ही नुकसान है, आपका कुछ नहीं होगा।
जो करना है वो हमें करना है। आपने कहा है कि हमें को पीछे जाके सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हमें तो खुद ही करना होगा ना। हाँ अभी से मतलब इस वीडियो में तुम लास्ट है, ये तो मैंने वीडियो बना दी, लास्ट हो गया। yes, डेट भी खत्म हो गई, 30 तारीख खत्म है। yes, sir. ठीक है, और अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? नो सर। नहीं मुझसे डर रहे हो, कहीं डरते हो? नहीं, ऐसा नहीं, सर। कुछ डर के ऐसा बोलते कुछ हो? नहीं है सर। ऐसा नहीं है? नो सर। काफी लंबी बातचीत होगी तो काफी करते हैं, बंद करते हैं। तो साथियों आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट कितने ज्यादा डरे हुए रहते हैं, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।